सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से माई राशन 2.0 ऐप डाउनलोड कर लेनी। लोकेशन आप अलाउ कर देंगे, नोटिफिकेशन भी आप अलाउ कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगी, उसके बाद में आपके सामने इस टाइप का जो डैशबोर्ड है, ऐप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी यूज़र में अपने जो आधार नंबर है वो दर्ज करने है और आधार कार्ड की सहायता से इसमें लॉगिन होना है। आधार से अगर आप लॉगिन होंगे तो आपको एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप डायरेक्टली आपका राशन कार्ड इसमें ओपन हो जाएगा। लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर आपको ओटीपी प्राप्त होंगे। जो भी ओटीपी आपको प्राप्त होते हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। तो यहाँ पर आपका ऑटो रीड वाला ऑप्शन है तो ऑटो रीड भी हो जाएंगे। बाकी आप जो भी ओटीपी आपको मिले हैं आधार के, वो आपको मैन्युअली यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारे जो ओटीपी है वो हम दर्ज कर देते हैं, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पिन बनाना होगा, तो चार संख्या का कुछ भी पिन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अपनी ऐप के लिए। ये नॉर्मली एक पिन होता है जिससे कि आप अगली बार डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन पर हम टर्न ऑन कर देंगे यहाँ पर लोकेशन, और उसके बाद में यहाँ पर ये सारा स्किप कर देंगे, आपका राशन कार्ड डिजिटल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप इसे चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी अपडेट्स हैं वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो साइड में जो मेन्यू बार दिख रहा है उसमें आप अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर आप अपनी जो फैमिली है वो आप देख सकते हैं, कितने लोगों का नाम है इसमें, अगर आपकी KYC है वो डन है या फिर नहीं वो भी बता देगा। इसके अलावा आपकी कोई भी जानकारी आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी मेम्बर डिटेल पर जाकर आप आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपडेट कर पाएंगे आसानी से। उसके बाद में आप यहाँ पर वापस बैक आ जाएंगे, यहाँ पर हम यस करेंगे तो यहाँ पर जो मेंबर डिटेल है वो हमारी अपडेट होने के लिए आ जाएगी। यहाँ पर 6 से 7 ऑप्शन है, इन सभी को पूरा करने पर आपकी मेंबर डिटेल कंप्लीट अपडेट हो जाएगी। तो ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। अभी मुझे इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देखें, अगर आप इस ऐप से क्लोज भी हो जाते हैं तो भी आप इसमें वापस लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें आपने कौन सा अपना जो राशन लिया है लास्ट में वो भी आप देख सकते हैं, कितना आपको राशन मिला है। सेल रिसिप्ट में जाकर आप ये भी जांच कर सकते हैं कि आपको कितना राशन मिला है, उसकी PDF भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। उस राशन की कितनी कीमत थी, कितने KG मिला है, वो सारी चीज़ें, बेनिफिट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन से महीने आपने राशन उठाया है और किसने उठाया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस मेम्बर ने उठाया उसकी डिटेल आ जाएगी, इसकी पूरी जो रिसिप्ट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको कितने लोगों का राशन मिलता है। तो ये काफ़ी बेस्ट ऐप है, इसमें आप नाम ट्रांसफ़र से लेकर सरेंडर के लिए, नाम डिलीट के लिए सब कुछ अप्लाई करने का ऑप्शन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी ये ऐप लगभग काम कर रही है, थोड़े से और भी इसमें जो अपडेट्स हैं वो धीरे धीरे आने लग जाएंगे, उसके बाद में आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो इस ऐप में एक बार लॉगिन होकर ज़रूर आप चेक करें। नेक्स्ट बार जब भी आप लॉगिन होंगे तो आपको सिर्फ अपने जो अपने MPIN बनाए हैं वो आपको लगाने होंगे और आपका जो राशन कार्ड है वो खुल जाएगा। तो कई लोग होते हैं जिनका राशन कार्ड गुम जाता है तो वो भी इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, ये भी लगभग सभी जगह वैलिड होने वाला है। तो आशा करूँगा आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इसकी कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसका भी मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूँगा। बाकी अभी इस राशन कार्ड में मुझे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है तो इस कारण मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।